फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो हमने देखा था कि जो है हम फिबोनाची को लगाते कैसे हैं। तो चलिए, ये जो स्टॉक का नाम है जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया था, पिरामल इंटरवल पील का स्टॉक है, तो यहां फिर से मैं इसको यूज कर लेता हूं, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। यानी जब मार्केट कहीं से बॉटम बना के एक ऊपर की तरफ जाता है, तब हम जो है इसको यूज करते हैं। यानी इसमें हम ये देखते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट यानी रिवर्सल कितना लेगा। तो अगर हम देखें, अभी जैसे ये स्टॉक एक टॉप बना के नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें ये गिरावट कितना आएगा। तो यहां मैं जाऊंगा और यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टोल लूंगा, और उसके बाद जो है यहां मैं सबसे पहला पॉइंट में बॉटम पकड़ूंगा, राइट, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ मैं यहां पे हाई पे लगा लूंगा। तो ये देखूंगा कि इसमें जो गिरावट आएगा ना, वो या तो 50% या 61.8% का आना चाहिए। यानी नॉर्मली गिरावट जो है 50% या फिर 61.8% का आता है। तो यहां पे देखेंगे तो हम ये जो गिरावट आया 61.8% का आया, और वहीं से ये ऊपर गया। अब देखिए, ये हो गया कि रैली खत्म यहां से। अब इसके बाद अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है, यानी ये हाई को ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा। यानी इसके जरिए हम टारगेट भी निकाल सकते हैं कि ये स्टॉक अगर अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला ये करेक्शन के बाद, और कितना ऊपर जाएगा, टारगेट भी निकाल सकते हैं। ये टारगेट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।